हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुमन निगम डेली रेसिपीज़। देखिए, आज मैं चने की दाल की कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। चने की दाल की कचौड़ी जो है वो, उसके लिए मैंने दाल को भिगोया है। 2-3 घंटे के लिए दाल को भिगो करके रख लिया है और 5-6 कली लहसुन की छीली है, 1 इंच अदरक, 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। दाल को हम लोग पीस करके दाल बनाएंगे कचौड़ी, क्योंकि उसमें भर के नहीं बनाएंगे, आटे में मिला करके दाल को पीसेंगे। पहले दाल हमने भिगो करके धो करके साफ़ कर ली है, अब इसको मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। हरे मिर्च भी डाल लेंगे, सौंफ भी डाल लेंगे, लहसुन अदरक हर चीज़ को पीस लेंगे। बढ़िया मसालेदार कचौड़ियाँ बनेंगी। देखिए, दाल हमारी पीस करके तैयार हो गई है। अब हम ये आटा लिया है हमने 1 कटोरी, और इसी दाल से, पानी से नहीं आटा सानेंगे, इसी दाल से ही आटा सानेंगे। इसमें थोड़ा सा आटे में, क्योंकि दाल में हमने नमक मिला लिया, और आटे में थोड़ा सा मोइन डालेंगे। थोड़ा सा मोइन डाल के आटे को मिला लेंगे और इसी से, पानी नहीं डालना है पहले, इसी दाल से आटा गूंदेंगे। थोड़ी थोड़ी करके दाल इसमें डालते जाएंगे आटे में, और आटे को बढ़िया अच्छा सा डो बना लेंगे। जैसे पूड़ियों का डो बनाते हैं उसी तरह से। देखिए, इसी दाल से ही आटा हमारा पूरा सन के तैयार हो जाएगा। पानी यदि कम पड़ेगा तो हम मिक्सी धो करके, जो थोड़ा सा हमने पानी रखा है वही पानी हम आटे में लगाएंगे केवल। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी मसालेदार सुबह के नाश्ते में कचौड़ियाँ बनके तैयार होती हैं। अब हम इसका अच्छे से डो लगा करके, आटा तैयार करके बिल्कुल रखेंगे डो बना करके, 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। अभी दिखाते हैं आपको आटे का डो लगा करके। ये देखिए, आटा हमारा गूंद करके तैयार हो गया है। इसको खूब अच्छे से इसका डो लगा लिया, बिल्कुल ना बहुत ही कसा ना बहुत ही मुलायम। ये देखिए, आटा कितना बढ़िया गूंद करके तैयार है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटे को 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे, उसके बाद कचौड़ियाँ बनाएंगे। देखिए, 10 मिनट हो गए आटा रखे हुए, और हम उसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। देखिए, हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। आप कोई भी फेस्टिवल हो उसमें ये कचौड़ियाँ बना सकते हैं, बढ़िया नाश्ते में भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी आप ये कचौड़ियाँ बना करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब हम कचौड़ियों को बेलेंगे। देखिए, छोटी छोटी कचौड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कचौड़ी बेल करके तैयार हो गई, और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। हमने पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर ली हैं, और इधर कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो गया है। ये देखिए, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, और इसको डाल देंगे। बहुत तेज आंच में नहीं, मीडियम आंच में इसको करेंगे। सब पूड़ियाँ डाल डाल करके तल लीजिए बढ़िया। देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए उनको फिर हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से आप सारी कचौड़ियाँ तल लीजिए बढ़िया। देखिए, हमारी कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया मसालेदार कचौड़ी बन के तैयार हुई हैं। आप इनको चटनी के साथ, अचार के साथ, या किसी सब्जी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। आप नाश्ते में कोई गेस्ट आए उसको बना के खिलाइए। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।